जब भारतीय मीडिया पीएम मोदी की तारीफ करता है या उनके पक्ष में बोलता है तो लोग उसे गोदी मीडिया कहते हैं। गोदी मीडिया का दो मतलब होता है, पहला मोदी का उल्टा गोदी यानी कि मोदी गोदी, और दूसरा सरकार की गोद में बैठ जाने वाला मीडिया। क्योंकि जब मीडिया सरकार की गोद में बैठ जाएगा तो सरकार से सवाल कैसे करेगा, लेकिन अगर विदेशी मीडिया बीजेपी की और पीएम मोदी की मुरीद हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। ना ही सिर्फ विदेशी मीडिया बल्कि चीन के लोग भी प्रधानमंत्री के फैन हैं। अभी हाल ही में हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि चीन के लोग पीएम मोदी को लाओक्सियन कहते हैं, जिसका मतलब है मोदी अमर है। चीन में सोशल मीडिया पर लोग पीएम मोदी को इसी निकनेम से बुलाते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लोग भी प्रधानमंत्री को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें पाकिस्तान की आम जनता ये कहती हुई दिखाई दे रही थी कि वो अपने देश के हालात से बहुत परेशान है, अपने पीएम से बहुत परेशान है, इसलिए उन्हें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब गोदी है? अमेरिका का मीडिया गोदी है, क्योंकि अमेरिका के फेमस अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बीजेपी को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी बताया है। जर्नल में लिखा गया है 2014-2019 में बम्पर जीत के बाद 2024 में बीजेपी फिर से बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। जर्नल में कहा गया है कि आने वाले समय में बीजेपी तेजी से भारत में अपना दबदबा बनाएगी। अमेरिकी नजरिए से भी बीजेपी सबसे महत्वपूर्ण विदेशी पार्टी, लेकिन इसे कम समझा गया है। साल 2014 और 2019 में लगातार दो जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी साल 2024 में होने वाले चुनाव में भी लगातार तीसरी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। इस समय भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। WSJ के इस आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि भारत की मदद के बिना अमेरिका चीन से मुकाबला नहीं कर सकता। इस आर्टिकल में छपे लेख के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि अमेरिका जानता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन चीन है और भारत की मौजूदा सरकार यानी कि पीएम मोदी ही चीन को सीधा कर सकते हैं, उसको उसकी औकात में रख सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी का लहजा इंटरनेशनल कूटनीति को लेकर अग्रेसिव है और इससे पहले कांग्रेस की सरकार का लहजा नरम रहा है। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के कार्यकाल में भारतीय क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया था और अभी हाल ही में राहुल गांधी ने भी चीन की तारीफ करते हुए कहा था कि चीन सद्भावना की बात करता है। एक दुश्मन देश की तारीफ करना सॉफ्ट कूटनीति नहीं तो क्या है? पीएम मोदी अपने दुश्मनों के लिए कितने अग्रेसिव है यह आप सभी अच्छे से जानते हैं, इसलिए अमेरिका और वहां की मीडिया पीएम मोदी की मुरीद है। अब इस पर मोदी का विरोध करने वाले क्या कहेंगे? फिलहाल इस खबर में इतना ही।